देखिए आपको यकीन नहीं हो रहा, ये देख लीजिए इतना सस्ता मिला है जो बोला है। आलू प्याज टमाटर कैप्सिकम जो भी सब्जी है वो सस्ती मिली है। संडे का दिन है और आज बन रहा है आलू का पराठा। तो दोस्तों ये देखिए, ये रहा मेरा आलू का पराठा और ये मैं देख रही हूँ रेजिडेंट एलियन करके। वेलकम परिवार, कैसे हैं आप सब? होपफुली आप सब लोग अच्छे होंगे। आज की वीडियो की शुरुआत हो रही है शाम से, हम लोग गए हैं गैलेरिया। शाम नहीं, एक्चुअली रात ही हो गई है और यहाँ पे हमने जो जो ऑर्डर किया है मैं आपको दिखाती जाऊंगी। जिनको नहीं मालूम है बता दूं, मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ, मैं एग भी नहीं खाती हूँ। रोल के अलावा, वेज रोल के अलावा हमने मंगाया था आलू पराठा और वो भी हमने गैलेरिया से मंगाया था, पराठा वर्ल्ड से, और वहाँ का पराठा बहुत टेस्टी होता है। आलू प्याज का पराठा था। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जब से मैं वापस आई हूं तब से कोई वीडियो नहीं बना रही थी, बीच में तबीयत भी ख़राब हो गई थी, तो इसीलिए एक दिन का वीडियो नहीं है, अलग अलग दिन के वीडियो हैं जो मिले उनको मिलाकर मैं बना रही हूं वीडियो। तो अभी निक्की आई है, उसके साथ मैं जा रही हूं हीरा नंदानी गार्डन। मुझे वॉक करना था तो मैंने उससे कहा कि चलो घूमना भी हो जाएगा उधर, वॉक भी कर लेंगे। और दोस्तों यूट्यूब पर वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है, जो लोग बनाते हैं वो जानते हैं, क्योंकि सुबह से शाम तक का वीडियो बनाने में हालत खस्ता हो जाती है, उसके बाद एडिटिंग में। और ये देखिए हम पहुंच चुके हैं हीरा नंदानी गार्डन। आप कमेंट करके बताइएगा कौन कौन आया है यहाँ पर, शाम के समय बहुत ही सुंदर लग रहा था। तो ये अगले दिन का वीडियो है और मैं जो डोसा वाला बैटर लाई थी उसी से निक्की बना रही है इडली। तो इडली का बैच ऐसे एक एक करके बन रहा है, मतलब बहुत बड़ा इडली का बर्तन नहीं है, तो इसमें चार चार ऐसे बन रहा है, तो वो निकाल रही है। वो बोल रही थी फ्राई करेंगे, लेकिन मुझे लगता है बिना फ्राई किए भी बहुत टेस्टी लग रहा है। वीडियो के बीच में बोलना चाहती हूँ दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। ट्रैवल वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट जाके चेक कर सकते हैं, उसमें बहुत सारे ट्रैवल वीडियो हैं। आजकल मैं शॉर्ट्स में भी डालती हूँ, अगर आप लोगों ने देखा होगा। ये देखिए बढ़िया इडली बनी अपनी। ये बायोडर्मा का प्रोडक्ट आके मेरे पास रखा हुआ था और जब मैं वहाँ गई हुई थी, आने के बाद फिर बीच में तबीयत ख़राब हो गई थी, फिर बायोडर्मा की तरफ से मुझे मैसेज आया कि वीडियो अपलोड करना है, तो जल्दी जल्दी में मैंने वीडियो एक ही दिन में बनाया और उसके बाद एडिट किया और अपलोड कर दिया। अगर आपने नहीं देखा है तो इंस्टाग्राम पे भी आप चेक कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि ये जो है प्रोडक्ट काफ़ी अच्छा था, प्रमोशन के लिए नहीं बोल रही हूँ, इंस्टाग्राम के लिए था प्रमोशन का, लेकिन मैं आपको बता दूँ काफ़ी अच्छा था। पहले ही बार में, पहले ही वॉश में बहुत सही मेरा चेहरा चमक गया था। ये थोड़ा अलग सा प्रोडक्ट है, आप इसको स्क्रब के तरह भी यूज़ कर सकते हैं, फेस वॉश की तरह भी यूज़ कर सकते हैं और फेस मास्क की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए कितना सुंदर लग रहा है मेरा चेहरा, स्किन अच्छी लग रही है, कुछ नहीं लगाया मैंने लिपस्टिक के अलावा, वो भी हल्की सी लिपस्टिक लगाई, उसके अलावा कुछ नहीं लगा रखा है, फिर भी चेहरा चमक रहा है, तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं। तो शाम का वक्त है, मैं बाहर निकली हूँ वॉक करने जा रही हूँ, पंकज जा रहा है जिम और खेलने, हो रहा पंकज। तो फिर पंकज ने मुझसे कहा कि लाओ मैं तुम्हारी वीडियो भी ले देता हूँ, तुम वीडियो में ज़्यादा दिखाई नहीं देती हो। तो ये रही मैं। देखो
तो पंकज जा चुका है और मैं रहीजा के चक्कर काटने आ गई हूँ। और काफ़ी बड़ा एरिया है वॉक करने के लिए, मतलब आप एक चक्कर में काफ़ी थक जाओगे, कम से कम 40 से 45 मिनट लग जाते हैं। मौसम बहुत सुंदर हो रहा था, बादल एकदम, मतलब आसमान एकदम ऑरेंज ऑरेंज लग रहा था, तो मैंने सोचा ये रिकॉर्ड करना बनता है। ये देखिए, आप किस शहर में हैं, वहाँ पे कैसा मौसम है मुझे कमेंट करके बताइए। यहाँ तो ठंडा मौसम हो रहा है आजकल, बादल ही बादल हैं, बारिश हो रही है। बाकी आपके शहर में कैसा है मुझे कमेंट करके बताइए। तो मैं डेली स्टेप्स काउंट करती हूँ, आज ज़्यादा नहीं हुआ है, सिर्फ 9600 हुआ है। ये आया किसान कनेक्ट से। अरे वाह, आठ रुपए की शिमला मिर्च, दो रुपए का टमाटर, एक रुपए का प्याज, तीन रुपए का आलू, चलो मतलब इतना सस्ता है। दही 15 रुपए की, 25 रुपए, खीरा आया 8 रुपए का, 3 8 रुपए का, 3 बाप रे कितना महंगा आता है। और काजू कहाँ गया, 100 ग्राम काजू 119 रुपए का लगता है, इसका वजन कम है, नापे क्या अपने इसमें मशीन में। और ये तोतापुरी आम आया, ये 120 रुपए का आया, तो ये सब आया किसान कनेक्ट से। पता नहीं और शहर में चलता है कि नहीं, लेकिन मुंबई में बहुत चलता है। देखिए आपको यकीन नहीं हो रहा, ये देख लीजिए इतना सस्ता मिला है जो बोला है। आलू प्याज टमाटर कैप्सिकम जो भी सब्जी है वो सस्ती मिली है। संडे का दिन है और आज बन रहा है आलू का पराठा, मेरा आटा, और ये दूसरा पराठा बन रहा है और पंकज बना रहा है पराठा। मैं सिर्फ ऑयल लगा रही हूँ इसमें, खाऊंगी भी बनाने की मेहनत की बात कर। तो दोस्तों ये देखिए, ये रहा मेरा आलू का पराठा, और ये मैं देख रही हूँ रेजिडेंट एलियन करके, ये पंकज, और इधर हमने खिड़की खोल दी, बहुत ही अलग नजारा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। ये बन रहा है पैनकेक्स, वो भी बनाना पैनकेक्स। ये कौन सा वाला है, जो तुम्हारी ग्रैनी बनाती थी तुम्हारे बचपन में? मेरी ग्रैनी एप्पल पाई के साथ तुम्हें खिलाती रही थी संडे को? मेरी ग्रैनी बचपन में गुजर गई थी भाई, कहाँ से बनाएंगे वो। महक अच्छी आ रही है, पलट दिया है उससे, दिख रहा है इसमें पैन, वो बनाने के पीछे से आ रही है पूरी अलग। तो दोस्तों अभी बन रही चाय, और दूसरी चाय बन रही है, दूध मंगाया था, दूध था नहीं, और ऑरेंजेस मार्केट से एकदम से गायब हो गए, फिर मुझे अचानक से जेप्टो पे दिखाई दिया ये टेंजरीन मैंडरीन ऑरेंज, देखते हैं कैसा होगा, बताऊंगी जैसा भी होगा। अभी मैं बनाने जा रही हूँ पोहा, तो ये भी मंगाया है जेप्टो से ही मंगाया है, तो मुझे मिला है 50 रुपए में, मेरे ख्याल से 600 ग्राम होगा। अब पता नहीं सस्ता मिला है महंगा मिला है, तो पहले से रखा हुआ था। और ये पोहा भिगो दिया है, भिगो नहीं दिया, धो दिया। चलो स्टार्ट करते हैं। थोड़ी मूंगफली डाल दी है, पंकज को मूंगफली चाहिए इसमें, बहुत दिनों से कुछ अच्छा वीडियो बना नहीं पा रही थी, बाहर कहीं कुछ जाना वाना हो नहीं रहा, बीच में भी गई थी, तो वो वीडियो तो आपने देख लिया होगा क्योंकि ये वीडियो बाद में आएगा। ज्यादा नहीं, काम वाम से ही गई थी। यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, वीडियो लंबा हो रहा है इसलिए इसको यहीं एंड करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहे मुस्कुराते।